आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे पूल स्नूकर का जो बिजनेस आइडिया है वो कैसे रन कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको सेटअप किया जा सकता है, कितने एक्सपेंसेस लगते हैं, क्या आपको रनिंग कॉस्ट आएगा उसके ऊपर, कितना प्रॉफिट रेवेन्यू आप जनरेट करोगे, और साथ में लॉन्ग टर्म में आप क्या एक्सपेंशन को कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी कितना आप इससे कमा पाओगे। तो यार यही सब आज हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम भार्गव, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हो, गूगल पे स्नूकर सर्च करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। ये स्नूकर टेबल्स ऐसे बड़े बड़े होते हैं, जनरली 12x6 फीट के होते हैं, और ये पूल टेबल जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा बना हुआ है। तो पूल टेबल जो होते हैं वो जनरली छोटे होते हैं, 6x3 फीट के आसपास के साइजेस होते हैं लगभग। तो जो स्नूकर और पूल टेबल है यार, वो यूथ में आजकल बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा खेला जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि यार थोड़ा सा क्लासी और थोड़ा सा जो अपर स्टैंडर्ड वाला जो लुक देता है आपको पूल टेबल, तो वो इसलिए पूल और स्नूकर बहुत ज्यादा आजकल फेमस हो रहे हैं। ना ही केवल ऐसा ही है बल्कि कॉम्पिटिशन है, गेम्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो यार, बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे फेमस जो स्नूकर प्लेयर्स होते हैं उनके बहुत ज्यादा चैंपियनशिप्स में जीते जाते हैं नाम। तो इसीलिए यार बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा है, अलग लेवल पर आप कह सकते हो, बड़ा भी है, एक्सपेंडेबल भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यार आपको इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने बैठे हो, लोकेशन ये सब इसका टेबल का सारा चीजों का ले दे करके, आपको मिनिमम जो एक्सपेंसेस बेयर एक्सपेंसेस है आपको 3 लाख रुपए कम से कम लगभग लगाने पड़ेंगे ले दे करके, अगर आप एक पूल और एक स्नूकर टेबल भी रखो तो। ये आपको मिनिमम लग जाएगा, प्लस लोकेशन का जो आपको एक्सपेंसेस लगेगा वो भी लग सकता है। और लगभग आप एस्टिमेट करके चलो कि अगर आप अच्छी जगह पर ठीक ठाक लोकेशन पर अगर आप चाह रहे हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बिजनेस में चलने के लिए, तो आपको लगभग 5 लाख रुपए एस्टिमेट लेकर के चलना चाहिए ताकि आप बिजनेस को अच्छे पेस पर रन कर सको। ठीक है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो। अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट क्या क्या है। तो आपको रनिंग कॉस्ट के लिए अगर आप खुद हो तो आप खुद एज इन काम कर सकते हो, वहां पे आप खुद उसका देखभाल कर सकते हो अपने बिजनेस का। लेकिन अगर आप चाहो तो यार अपने बदले आप किसी और को अपॉइंट कर सकते हो, वहां पे कैमरास लगा सकते हो, ऑनलाइन सिस्टम्स फिट कर सकते हो, ताकि आप अगर कुछ और चाहो तो एक्टिवली वो भी रन कर सको। अगर आप जॉब कर रहे हो वो कर सको, या अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे हो, अच्छा बड़ा बिजनेस है, तो आप उसको रन कर सकते हो और इसमें पैसिवली आप इस पे टाइम दे सकते हो। तो आपको ये रनिंग कॉस्ट आते हैं। इसके अलावा आपको हर साल आपको जो उसका मैट होता है, जो उसकी चद्दर होती है ऊपर की, जो हरी आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं डिमोलिश होती है, कहीं ना कहीं खराब होती है, तो इसलिए आपको इसके ऊपर भी लगभग 30-40-50,000 तक एक्सपेंसेस आते हैं ईयरली के। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो क्यू स्टिक है, जो आप स्टिक्स देखते हो इनके हाथ में जो यहाँ पे जो रखी हुई है, उनके ऊपर भी एक्सपेंसेस आते हैं। लगभग 1,000 रुपए की एक स्टिक आती है यार, बहुत ठीक ठाक आ जाती है, महंगी भी आती है लेकिन जनरली आप इसको 1,000 रुपए की खरीद सकते हो, अच्छी आ जाती है, और ये आपको साल भर साल आपको इस पर भी बदलने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये, और इसके अलावा आपके जो एसी के एक्सपेंसेस हैं, ये सभी आपके रनिंग एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा बहुत कम चांसेस है आपको कोई और एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे अच्छी क्वालिटी के स्नूकर टेबल्स पे, जो कि मेन लकड़ी के क्वालिटी से जांचा जाता है, तो यार 10-15 साल आराम से टेबल्स चलती हैं। लेकिन आपको जो एक चीज का ध्यान रखना है वो होता है उसका मॉइस्चर। जो भी आप जगह पर रख रहे हो, आपको ज्यादा चांसेस करने रखने की यार फर्स्ट फ्लोर से ऊपर पे आप नहीं लो, यानी कि सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोज या कहीं ना कहीं आसपास में नहीं आए, क्योंकि अगर ज्यादा गर्मी होगी तो भी लकड़ी को दिक्कत देगा, ज्यादा सर्दी होगी तो भी लकड़ी को दिक्कत देगा। तो इसीलिए आपको कम से कम ये ट्राई करना है कि यार ग्राउंड और लोअर ग्राउंड यानी अंडरग्राउंड या फिर फर्स्ट फ्लोर, इससे ऊपर तक आपको नहीं जाने का कोशिश करना है, क्योंकि आपको फिर आपको जो एसी लगवाना पड़ेगा, ठंड में हीटर लगवाना पड़ेगा, ये सब के भी एक्सपेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। जबकि हीटर या आपको एसी लगाना चाहिए अपने कस्टमर्स की सुविधा के लिए, लेकिन जनरली आपको टेबल के लिए अलग से करना पड़ जाएगा, तो वो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इसीलिए आप ये चीजें जरूर ट्राई करिए। अब बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में। ठीक है, तो रेवेन्यू यानी कि आप टोटल इनकम कितना कमा सकते हो। तो यार 2-3 टाइप है आप इससे, जो कि आप जो पूल टेबल है या स्नूकर टेबल है, आप इनसे पैसे कमा सकते हो। तो यार देखिए, एक तो होता है पर फ्रेम के चार्जेस, यानी कि जो एक फ्रेम होता है, यानी कि ये आप देख सकते हो इस फ्रेम को फ्रेम कहते हैं, तो पर फ्रेम का एक रेट होता है 25-30 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पर आवर के हिसाब से भी होता है, घंटे का 100, 150, 200, आप जैसी लोकेशन पे रहो, जैसी सुविधा दे रहे हो उसके हिसाब से, अपने कॉम्पिटिशन के हिसाब से आप अपना रेट रख सकते हो पर आवर का। ठीक है, जनरली लोग 150 से लेकर 250 रुपए तक रखते हैं पर आवर का, आप भी उतना चार्जेस कर सकते हो। तीसरा आता है मेंबरशिप चार्जेस, आप यानी कि आप लोगों से
मेंबरशिप कार्ड उनसे बनवा सकते हो और उनको मंथली आप उनको सब्सक्रिप्शन दे सकते हो, 1,000, 1,500, 2,000 जितना भी आप चाहो उसके बेसिस पर। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ये वीकली चार्जेस है, ठीक है। वीकली के हिसाब से आप उनको 10 घंटा खेलने दे सकते हो, 15 घंटे खेलने दे सकते हो पूरे वीकली में, वीक में पूरा। मंथली के हिसाब से भी आपको वो प्लान डिसाइड करने पड़ेंगे, वर्क आपका रहता है यार। आपको केवल, मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूँ कि आप क्या क्या तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कर लेना यार, जो भी आपको कंफ्यूजन हो उसके लिए। तो रेवेन्यू की अगर बात करें तो यार, अगर आप एस्टिमेट मान करके चलो कि अगर आप एक घंटे में मिनिमम मान करके चल रहे हैं कि अगर आप 100-125 रुपए के आसपास निकाल रहे हो, 125 रुपीज, ठीक है, और आप 6 घंटे के आसपास में अपना टेबल बुक रख रहे हो एवरेजली, ठीक है, एवरेज करते हुए, मे बी सैटरडे संडे को पूरा फुल टाइम बुक रहे, मे बी मंडे ट्यूजडे वेनेसडे को हो सके बहुत कम लोग खेलने हैं, ठीक है, तो पूरा एवरेज करते हुए आपका टेबल 6 घंटे के लिए बुक होता है पूरे 10-12 घंटे में से, तो उसको लेकर के चल रहे हैं हम लोग। और 125 रुपीज पर आवर के हिसाब से एवरेज लेके चल रहे हैं, जो कि लोएस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप मेंबरशिप में दोगे लोगों को या फिर पर आवर के हिसाब से दोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन मिनिमम लेकर के चल रहे हैं तो 125 आपको मिलेगा। और 6 आवर्स के हिसाब से आपको आराम से 750 रुपए के हिसाब से आपको पर डे मिल सकता है इनकम एक टेबल से, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको स्नूकर टेबल की। आप साथ में इसमें पूल टेबल में भी आपको लगभग 150 रुपए आराम से चार्ज किए जाते हैं। स्नूकर में मैं आपको बता दूं, ऐसी ऐसी जगह दिल्ली में यार आपको 250-300, 350 रुपए भी चार्ज किए जाते हैं घंटे के, ठीक है। लोकेशन है, मेन लोकेशन पे आपको डिपेंड करता है कि आपको इन्वायरमेंट कैसा है वहां का, लोग जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं वहां पर, क्या वो बहुत पॉश एरिया है जहाँ पे कोचिंग है, जहाँ पे बहुत अच्छे कैफेटेरियाज है वहां पे लोग ज्यादा खेलने आते हैं, क्या ज्यादा एक तरीके से मान के चलो जेंडर फीमेल का रेशियो अच्छा है, वो चीज भी बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से मान करके चलो कि अगर आपने एक स्नूकर और एक पूल टेबल रखा है तो आप एवरेज मान करके चल सकते हो कि आप लगभग 1,500 रुपए दिन के कमा लोगे, ठीक है। शुरुआत के हिसाब से यार ये ठीक है टाइप आपका रेवेन्यू है, क्योंकि आप लगभग 45,000 रुपीज कमाओगे पर मंथ दोनों टेबल को लेकर के, जिसमें कि आपको लगभग लगे हैं 3 लाख रुपए, ठीक है। इसके हिसाब से आपको एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, मान के चलो कि आप 15,000 रुपए आप मान करके चलो, आप नॉर्मली 10,000 बंदा का, या आशुरुआत में अगर बंदा नहीं भी रखो आप तो 8,000 रुपए मान करके चलो, 10,000 रुपए आप मान करके चलो, या 15,000 रुपए मान करके चलो, आप रेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। ज्यादा रेंट हो तो यानी कि आप ज्यादा अच्छे लोगों की क्वांटिटी होगी, यानी कि ज्यादा लोग आपको पे करके जा रहे होंगे, ठीक है। ये मैं उस हिसाब से आपको इनकम बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपको रेंट लग रहा होगा। 15,000 रुपए रेंट यानी कि ठीक ठाक लोकेशन है, और ज्यादा महंगा रेंट अगर आपको पे करना पड़ रहा है 25,000-50,000 रुपीज अगर आपको रेंट पे करना पड़ रहा है तो आप वहां पे आराम से 300 रुपए पर घंटे चार्ज कर सकते हो और लोग वहां पे देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका रेवेन्यू है। आप मंथली आप मान करके चलो 20,000-30,000 रुपीज निकाल सकते हो इन दो टेबल के हिसाब से। बाकी फिर जैसे जैसे अगर आपका बिजनेस ग्रो करने लगे, आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करो, बड़ा जगह लो और टेबल लगाओ और ज्यादा लोग आएंगे, तो ये चीजें भी की जा सकती हैं। लास्टली हम लोग बात करते हैं यार कि आप बिजनेस अपना कैसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस ग्रो करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे आप रेवेन्यू के तरीके जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई आए तो वो भी आप यार जरूर लगाना। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप सिंपल जो है वो आप ग्रो करने के लिए बिजनेस को आप 2-3 तरीके आजमा सकते हो जो कि बहुत प्रूवन मेथड है। सबसे पहले होता है कि आप कहीं ना कहीं आप मेंबरशिप पे डिस्काउंट्स दो, ठीक है, जो लोगों को नहीं मिले जनरली, जिन लोगों को आदत होती है, जिन लोगों को प्रैक्टिस होती है करने खेलने की, तो वो मेंबरशिप कार्ड लेते हैं ताकि वो ज्यादा खेल सकें। और वो लोग एक्चुअली क्या होते हैं, 2-3 लोग मिल करके अपने आपस में खरीद लेते हैं। अगर आप उनको ज्यादा टाइम कम रेट में थोड़ा दे दो तो इससे आपका क्या रहेगा कि आपका ऑक्यूपाइड भी रहेगा। जनरली मैं सैटरडे संडे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंडे टू फ्राइडे तक उनको टाइम दो मेंबरशिप में, और उनको बोलो कि यार आप यहाँ पे आ करके आप 15 घंटे खेल सकते हो पूरे हफ्ते में। अगर 15 घंटे का उनको पर आवर के हिसाब से मान के चलिए कि 2,000 रुपए लगते, आप उनको 1,000 रुपए में या 1,500 रुपए में वो चीज मेंबरशिप में दो, तो वो क्या होगा, उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो चीज वो सीख रहे हैं, ठीक है। ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज हो सकती है कि आप उनको एक ट्रेनर दो, ठीक है, आप ट्रेनिंग करवा सकते हो वहां पे, उनको सिखा सकते हो, खुद सीख सकते हो, खुद सीखा सकते हो उनको, या कोई बंदा रख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि उनको सिखाए भी और ओवरऑल पूरा यहाँ का केयर टेकर भी बन जाए, एक तरीके से आपको वो संभाल भी ले पूरा, ठीक है। ये दूसरा तरीका होता है। थर्ड होता है आप साथ में कोई अपसेल चीज कर सकते हो, कोई चीज अपसेल कर सकते हो, यानी कि वहां पे कैफेटेरियाज बना सकते हो, कुछ खाने का सामान बेच सकते हो, ये सारी चीजें भी जो भी इटरीज में आती हैं वो आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हो, वो भी यार अच्छी खासी चलती है और वहां से भी 10-15,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए जा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ चीजों की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर आप अपना जो ऑफर है, यानी कि जो अपना
क्लब है, जो भी स्नूकर क्लब है, आप वहां पर कॉम्पिटिशन चला सकते हो यार। अगर आप कॉम्पिटिशन चलाते हो इंस्टाग्राम यूट्यूब यहाँ पे प्रमोट करो कि यार आपके पास फ्री में कॉम्पिटिशन है, यानी कि आपको वहां पे आकर के कोई चार्जेस आप मत लो किसी से। और एक तरीके से क्या होगा, 100-200 जितने लोग आपके पास आएंगे आप उनके बीच में उनका कॉम्पिटिशन कराओ और उनको कुछ छोटा मोटा प्राइज दे दो, ठीक है। और जस्ट बिकॉज यार लोग आएंगे वहां पे तो खाने का तो आप हो सके खाने से कमा ही सकते हो कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पर आप क्या करो, जो आप वहां पे उनसे खाने में कमाओ, 10,000 रुपए आपने कमाया खाने के वहां से, वही 10,000 रुपए आप उनको प्राइस के तौर पर दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट होकर के आपके क्लब को जानेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, उन 100-200 लोगों में से अगर 10-20 लोग भी आपके पास दोबारा आना शुरू हो जाए नॉर्मली जनरली सेंस में पैसे दे करके, तो ऑफकोर्स वो आपके लिए ग्रोथ है, ठीक है। ये सारी चीजें आप ट्राई आउट कर सकते हो, और बाकी कोई दिमाग में आता है आपके भी दिमाग में तो यार नीचे कमेंट करके बताओ, ऑडियंस को जरूर मदद मिलेगी इससे। और साथ में अगर आपको मुझसे कोई डाउट हो, कोई और कंफ्यूजन क्लियर आउट करना हो, तो आप नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम लिंक्डइन कहीं पे भी आकर के मुझसे क्लियर आउट कर सकते हो। तो यही था यार स्नूकर और आपका पूल का बिजनेस आइडिया। कंक्लूजन में अगर मैं आपको बोलूं तो यार इन्वेस्टमेंट है 3-5 लाख रुपए के आसपास का, बेसिक मिनिमम एक्सपेंसेस अगर आप मान के चलो तब भी, बेसिक मैटर करता है लकड़ी का क्वालिटी, अगर आप वो अच्छा इन्वेस्ट करोगे तो लंबा चलेगा और अच्छा क्वालिटी देगा तो लोग भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। प्लस आपको लोकेशन अच्छा चाहिए जो कि आपके अच्छे टारगेट ऑडियंस को ला करके दे आपके पास। इनकम जनरेट करने के जैसे मैंने आपको बताया अच्छे खासे तरीके हैं, मार्केटिंग करने के अच्छे तरीके हैं, इनकम ग्रो करने के अच्छे तरीके हैं, तो ये चीजों का अगर आप फॉलो करेंगे तो बिजनेस आपका कंसिस्टेंटली ग्रो करता रहेगा एंड अच्छा खासा लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, जो कि आप जिसको एक्सपैंड भी कर पाओगे बड़े पैमाने पर। तो यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर करना बिल्कुल कर देना यार, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मिलते हैं तब तक कोई और ऐसी इंटरेस्टिंग सी बिजनेस आइडिया में। अगर आपके दिमाग में भी कोई वीडियो या कोई बिजनेस आइडिया हो जिसके ऊपर आप चाह रहे हो कि मैं वीडियो बनाऊं, बिल्कुल शक बेशक लिख देना यार नीचे कमेंट करके, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं तब तक कोई और ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।